वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। पिछली बार मैंने आपको गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन बताया था, आज मैं आपको फेसबुक का रेवेन्यू ब्रेकडाउन बताने वाला हूं। तो फेसबुक की रेवेन्यू का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो हम जिस रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करेंगे वो फेसबुक का क्वार्टर टू का 2020 का रेवेन्यू है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर हो गया यूएस के हिसाब से। सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो 3 मंथ का रेवेन्यू होगा जो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो 3 मंथ की फिगर्स होगी सारी की सारी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी, मेनली जो इनकम होती है ना, 98% इनकम किससे आ रही है, एडवर्टीजमेंट से। तो वो फेसबुक एड्स होगी, प्रमोटेड पोस्ट करते हैं, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है ना, इंस्टाग्राम ऐड होगी, मैसेंजर पे ऐड होगी। तो जो फेसबुक की जितनी भी फैमिली है ना, मैसेंजर होगी, इंस्टा होगी, फेसबुक हो गया, सब में आपका जितना भी रेवेन्यू है वो मेनली 98% रेवेन्यू किससे आ रहा है, एडवर्टीजमेंट से आ रहा है। और अदर इनकम में मैं आपको बता ही चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट इनकम आती है और फॉरेन एक्सचेंज लॉस एंड गेंस आते हैं, तो वो अदर इनकम का पार्ट होता है। तो एडवर्टीजमेंट इनकम इनका 98% पोर्शन लेता है टोटल इनकम का। तो रेवेन्यू मैंने आपसे बात की थी, 3 मंथ का रेवेन्यू कितना है इनका, 3 मंथ का रेवेन्यू इनका 1.37 लाख करोड़ रुपीज़ में है ये वैल्यू, डॉलर में नहीं है, ये मैंने कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको, 1.37 लाख करोड़ रुपीज़ कमा रहे हैं ये 3 महीने में। तो उसमें से एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं 1.35 लाख करोड़, और जो अदर इनकम है जो मैंने आपको पहले बता दी वो सिर्फ 2000 करोड़ रुपए है टोटल रिवेन्यू का। तो ये था इनका 3 महीने का रिवेन्यू। अब बात करते हैं ज्योग्राफी वाइज, मैंने गूगल का भी बताया था कि किस किस एरिया से कितना कितना पैसा कमाते हैं, तो फेसबुक का भी इस तरह मैं आपको बताऊंगा। यूएस और कनाडा दोनों को मिला के अगर जोड़ें तो 68,000 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट किया इन्होंने 3 महीनों में। अगर हम यूरोप की बात करें तो 33,000 करोड़ रुपये का, यानी 33,000 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट किया इन्होंने 3 महीने में। अगर एशिया पैसिफिक, जिसमें इंडिया भी आता है, तो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन से इन्होंने 25,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और बाकी जो बाकी देश रह गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 8,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये था इनका ज्योग्राफी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, यूएस से कितना कमा रहे हैं, यूरोप से कितना कमा रहे हैं, एशिया से कितना कमा रहे हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना कमा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनके एक्टिव यूजर्स कितने हैं। फेसबुक फैमिली की बात करूँ मैं, जिसमें व्हाट्सएप भी इंक्लूडेड है, इंस्टाग्राम भी इंक्लूडेड है और आपका मैसेंजर भी इंक्लूडेड है। तो मंथली एक्टिव यूजर्स जिन्होंने महीने में एक बार भी चारों ऐप में से कुछ ना कुछ यूज किया है, वो है, अगर हम बात करें डेली एक्टिव यूजर्स की, तो वो है 2.47 बिलियन लोग। मतलब आपको पॉपुलेशन पता है ना वर्ल्ड की पूरी कितनी है, 7 से 8 बिलियन के बीच में है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और उसमें से 2.47 बिलियन लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चलाते हैं डेली। और अगर मंथली की बात करें तो वो है 3.14 बिलियन यूजर्स। मतलब आप मान के चलिए 40% दुनिया, मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 40% दुनिया एक बार, महीने में एक बार या तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से एक चीज़ जरूर चलाती है। तो ये मैसिव नंबर है। अब बात करते हैं इनकी रिवेन्यू पर यूज़र। रिवेन्यू पर यूज़र क्या होता है, मतलब आपसे एक यूज़र से अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, अगर आप इंस्टा चला रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, अगर आप तीनों चला रहे हैं, एक भी चीज़ चला रहे हैं, तो आपसे कितना रिवेन्यू मतलब कमा रहा है। आपको पता है ना, आप फेसबुक के लिए क्या हो, यूज़र नहीं हो, आप एक प्रोडक्ट हो। जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है ना वो उनके कस्टमर है, तो आपको तो वो एडवर्टीजमेंट कंपनी को परोस रहे हैं। आप एक प्रोडक्ट हो, जो आप एडवर्टीजमेंट, जो कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है फेसबुक पे, जो परोसने के लिए, वो आप एक प्रोडक्ट हो। तो आपसे मतलब एक आप इंडिविजुअल से कितना पैसा कमा रहा है एक क्वार्टर में, तो वो है 450 रुपये। मतलब अगर आपने फेसबुक यूज़ किया है ना, तो आपने 450 रुपये कमा के दिए हैं मार्क जुकरबर्ग को एक क्वार्टर में। तो ये कैलकुलेट कैसे हुआ, टोटल रेवेन्यू आपने देख लिया, नीचे डिवाइड में क्या रखा, एक्टिव यूजर्स जो क्वार्टर की स्टार्टिंग में थे, एक्टिव यूजर जो क्वार्टर के एंड में थे, तो उनको एवरेज कर लिया, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स आ गया। तो सिंपल कैलकुलेशन होगी, एडवर्टीजमेंट से या किसी भी तरीके से आपसे 450 रुपये कमा के दे रहे हैं आप फेसबुक को। ये रीजन वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, यूएस में एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ज्यादा है, तो मे बी यूएस के लोग ज्यादा कमा के दे रहे हैं और एशिया के लोग कम कमा के दे रहे हैं। इतना रेवेन्यू ब्रेकडाउन मेरे पास नहीं था, अगर आप अप्रोक्सीमेटली बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, बट ये 450 रुपये एग्जैक्ट फिगर है जो फेसबुक की एनुअल रिपोर्ट में भी आई है। अगर आप देखना चाहते हैं वो एनुअल रिपोर्ट, तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस को रेवेन्यू पे कैलकुलेट करें तो क्या है,
कि 20% कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ना, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हर बार मैं बताता हूँ कि आपको कमाने में कितने रुपए का कॉस्ट आई, तो वो है सिर्फ 20%। मतलब 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 20 रुपए किसके आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए। 24% क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, नए नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं, नए नए फीचर्स निकालते रहते हैं फेसबुक, तो उसकी कॉस्ट 24% है। 15% मार्केटिंग की खर्चा आ रहा है और 9% एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा एक्सपेंसेस है जो फेसबुक खर्च रहे हैं रेवेन्यू के ऊपर कमाने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो फेसबुक के ऊपर, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे और भी कंपनीज के रेवेन्यू ब्रेकडाउन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए कौन सी कंपनी का ब्रेकडाउन आपको चाहिए, मैं उनका बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।